आईबीएन न्यूज़ की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। अब हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो यूपी के जनपद बलिया से आ रही है। आपको बता दें कि बुलंदशहर कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता समेत अधिवक्ता समाज सेवी जैसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पार्टी पर बुलंदशहर कांड को लेकर हमला बोला है। तमाम बातें कही हैं बीजेपी सरकार के ऊपर, उन्होंने कटाक्ष काटी है। ऐसे में हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफिया ने तमाम लोगों से जानी क्या कहा उन लोगों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं एडवोकेट रहमत अली, तहसील बिलथौर, जिला बलिया। जो बुलंदशहर में जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है और जो कानून व्यवस्था है जो भी सरकार में चरमरा चुकी है, और इससे ज़्यादा कहना हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं विनोद यादव मानव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारत आज़ाद पार्टी। आप जो है विनोद मानव जी, बुलंदशहर कांड को लेकर के कुछ कहना चाह रहे थे। बुलंदशहर कांड आरएसएस हिंदू युवा वाहिनी या अन्य हिंदू वादी संगठनों की साजिश का नतीजा है कि एक हमारा बहादुर इंस्पेक्टर हिंसा का शिकार हुआ। और जो बुलंदशहर के नए एसएसपी बनाए गए हैं प्रभाकर चौधरी, तो उनके बारे में बताएंगे। प्रभाकर चौधरी को मैं सैल्यूट करता हूं। वो हमारे बलिया में भी रहे हैं। जब तक वो बलिया में थे पुलिस की हनक यहां दिखती थी। मैं मतलूब अख्तर, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाज जनपद बलिया का निवासी हूं। और जो ये बुलंदशहर की घटना घटी है, ये भारतीय जनता पार्टी के विंग कमेटियों की, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, तमाम सांप्रदायिक शक्तियों की सोची समझी सुनियोजित ये घटना है। जो योजनाबद्ध तरीके से ये घटना की गई है, जो दारोगा की हत्या हुई है, वो दारोगा अखलाक अहमद की जांच में गवाह नंबर 7 था, ये भी उसमें घटना में एक कड़ी है मुख्य। और दूसरी बात ये कि वहां से 40 किलोमीटर दूर पर इज्तमा हो रहा था, मुस्लिम सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन को बदनाम करने के लिए, और उस दिन छुट्टी होने वाली थी या उसी रास्ते से लोग जाने वाले थे, तो इसीलिए ये सुनियोजित तरीके से गौ का मांस जो है टांग कर एक चक्का जाम किया गया कि इसी रास्ते से जो लोग आएंगे उनको बदनाम किया जाएगा और उनको मारा जाएगा। ये तो खुदा की और भगवान की मेहरबानी थी कि वो घटना जो उनकी योजना थी उस तरीके से ना हो करके वो बदल गई और पुलिस का बेगुनाह अफसर जो है मारा गया। इस सरकार में बेगुनाह लोगों का जो है 80% इनकाउंटर हो रहा है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नैतिकता के आधार पर योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश हित में कोई काम नहीं हो रहा है और देश विरोधी सारे काम किए जा रहे हैं। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं और... शमीम खान एडवोकेट, तहसील बेलथा रोड बलिया। आप कुछ जो है, मतलब आप कुछ हालात के बारे में, देश के और प्रदेश के हालात के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। यही कहना चाहता हूँ कि जो बुलंदशहर में जो घटना हुई है, जो पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दिया गया, इसके लिए पूरे देश के लिए बड़े ही शर्म की बात है। ये कानून का रखवाला के ऊपर आताताई जैसे लोग जो है उत्पात मचाते हैं, और जब जब हिंदुस्तान में चुनाव आता है ये राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ देश के नागरिकों को, जो आम भोली भोली जनता है, भोली भाली जनता को इकट्ठा करके उनको फ्रंट पे ला करके कोई ना कोई अप्रिय घटना कारित कर देती है, जिससे लोकतंत्र बुरी तरीके से चरमरा चुका है। इसके लिए चाहिए कि उन जो दुराचारी थे, जो आताताई थे, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार अभी आपने पटना में देखा होगा कि एक
अधिवक्ता जो समाज का एक दर्पण होता है उसके साथ जो है अप्रिय घटना कारित किया गया, उसे मार दिया गया, जिससे मैं चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और देश को ये संदेश दिया जाए कि देश में भाईचारा, संयुक्तता, सौहार्द, नैतिकता, आदर्श और एकता से देश चलती है, न कि लोगों के बीच में नफरत की चिंगारियां फैला करके देश चलती है। आप अपना पूरा परिचय बताएं और ये बताएं कि जो उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में जो घटना घटी है उसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आद्या शंकर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया। बुलंदशहर की घटना एक सुनियोजित घटना है और सरकार द्वारा रचित घटना है। सुबोध कुमार सिंह वहाँ इंस्पेक्टर की जो हत्या हुई है, चूँकि वो दादरी के वाले प्रकरण में, अखलाक वाले प्रकरण में सुबोध कुमार सिंह आयो थे और यह बात बार बार खटक रही थी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, सरकार के लोगों को, कि सरकार उसमें घिर रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही थी वो बिल्कुल गलत थी और अखलाक को निर्दोष मारा गया था। इसलिए उन लोगों ने साक्ष्य मिटाने के लिए सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर की हत्या बजरंग दल के लोगों ने किया है और यह बात पूरे प्रदेश को पता है। और वो दूसरी घटना भी करना चाहते थे, चूँकि वहाँ मुसलमान एक विशेष संप्रदाय के लोगों का लाखों में जमावड़ा था, जहाँ वो अपने इस्तमा था उसमें इकट्ठा थे। ये चाहते थे कि बड़ा हादसा हो, लेकिन ईश्वर का की कृपा है कि वो घटना टल गई और एक जंगल की झूठी और जंगल की घटना को लेकर के और तांडव किया गया, बवाल किया गया, देश को दंगा और फसाद में कराने का एक षड्यंत्र किया गया और जिस पर एक कुशल दरोगा जो वर्दी में था और उस मामले को चाहता था कि वो घटना न हो, लेकिन बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने तांडव करके गोली मार करके उसकी हत्या कर दी, जिस पर स्वयं पत्रकारों के सामने तो मैं देखा कि मुख्यमंत्री जी भी घिर रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। राज्यपाल महोदय ने भी आज उस पर उसकी निंदा किया है, अफसोस जाहिर किया है। हम इस पूरी घटना की निंदा करते हैं और इस सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं और सुबोध कुमार सिंह की विधवा को OSD नियुक्त करने के साथ साथ उसको 2 करोड़ रुपया और उनके बच्चों को नौकरी की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग मांगते हैं, इसके पहले भी ऐसा हुआ है, क्योंकि ये सरकार मुआवजा देने में भी जाति के नाम पर भेदभाव कर रही है। वहाँ तिवारी जी को तो दिया, यहाँ देगी नहीं देगी, मेरी मांग है। जितेंद्र यादव नोएडा को गोली मारी गई, उसको दवा का भी इंतजाम इस सरकार ने नहीं किया, लेकिन हम लोग इस बात की मांग सरकार से कर रहे हैं और इस सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं कि महामहिम राज्यपाल इसका संज्ञान ले और तत्काल इस सरकार को बर्खास्त करें।